नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 12 के भूगोल में हम पढ़ रहे हैं भारत लोग और अर्थव्यवस्था। भारत लोग और अर्थव्यवस्था का चैप्टर नंबर हमारा 5 चल रहा है, जिसका आज लेक्चर नंबर 7 है। यानी कि हम खनिज और ऊर्जा संसाधनों की बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। खनिज पूरे हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद हमने ऊर्जा संसाधनों की बात की और ऊर्जा संसाधनों में भी हम जो कोयला है, जो कार्बन युक्त होता है, प्राकृतिक गैस है और पेट्रोलियम पदार्थ यानी खनिज तेल जो है वो सारे हम पढ़ चुके हैं। आज हम उससे आगे जो है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो बची हुई थी उनकी बात करते हुए इस लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। यानी कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार ये लेक्चर होने वाला है। देखने की दृष्टि से और पढ़ने की दृष्टि से तो वैसे ही महत्वपूर्ण और अच्छा है ही, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मज़े के साथ मेरे साथ पढ़ते रहिए और क्लास में ही क्लास करने की रणनीति के साथ आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है नाभिकीय ऊर्जा। क्या है भाई नाभिकीय ऊर्जा? ये नाम आपको अटपटा लग सकता है क्योंकि कई बच्चों ने पहली बार सुना हुआ होता है। नाभिकीय ऊर्जा क्या है? जैसे सौर ऊर्जा है तो आजकल गांव में भी पैनल लगने लग गए, शहरों में भी पैनल लगे हुए हैं सौर ऊर्जा के, जो फोटोवोल्टिक कहलाते हैं। फोटोवोल्टिक से ट्रांसफर होती है विद्युत, तो ये जो पैनल होते हैं इसको तो सब जानते ही हैं, लेकिन ये नाभिकीय ऊर्जा क्या है, ये सारी चीज़ें आज यानी कि दोनों चीज़ें हैं इनको हम बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इन पर सवाल आता है कि टिप्पणी कीजिए, यानी इनके ऊपर 5-7 लाइन लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे वही आज हम जानेंगे। क्या क्या पढ़ना है हमें? नाभिकीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा, तो दोनों को बड़ी ही मस्ती के साथ बहुत ही शानदार तरीके से हम पढ़ते हैं। पहला है हमारा नाभिकीय ऊर्जा। क्या है भाई? नाभिकीय ऊर्जा। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है आज की? नाभिकीय ऊर्जा। और दूसरा टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा सौर ऊर्जा। क्या चिल्लाती इसलिए इसका नाम सौर है? नहीं, सूर्य के कारण इसका नाम सौर है। तो ये दोनों चीजें हम देखने वाले हैं, नाभिकीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा, ठीक है ना। सबसे पहले नाभिकीय ऊर्जा देख रहे हैं हम। नाभिकीय ऊर्जा एक प्रकार से पदार्थों से बनती है, परमाणु से बनती है। किससे बनती है? परमाणु के कारण बनती है, इसलिए इसे कई बार परमाणु ऊर्जा भी कहा जाता है या परमाणु ऊर्जा। किसका दूसरा नाम है? नाभिकीय ऊर्जा का। अब आप कहेंगे सर परमाणु क्या होता है, तो इस चीज को समझते हैं कि परमाणु क्या होता है। वह पदार्थ जिसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया होती हो, यानी आंतरिक गुण होते हैं भाई, अभिक्रिया होती है, कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है। यानी परमाणु क्या होता है? परमाणु वो है जिसके अंदर कोई आंतरिक रासायनिक अभिक्रिया होती है और ये ऊर्जा से युक्त होते हैं, इसलिए नाभिकीय ऊर्जा का ही दूसरा नाम है परमाणु ऊर्जा। यहां तक समझ में आ रहा है? अब जो नाभिकीय जो ऊर्जा है, कौन सी ऊर्जा देख रहे हैं हम? नाभिकीय जो हमारी ऊर्जा है, इस ऊर्जा की महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? इसमें दो रूप होते हैं। या तो इसमें जो ये परमाणु होंगे उनका संगठन होगा, यानी इकट्ठे होंगे, संगठन होगा, ठीक है ना, यानी इकट्ठे होंगे, या फिर टूटेंगे तो विघटन होगा। क्या होगा? विखंडन होगा। या तो संगठन होगा या विघटन होगा, या तो परमाणु टूटेंगे और या आपस में जुड़ेंगे, और इसी कारण से जो बिजली बन पाती है, जो ऊर्जा बन पाती है, उसको हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ध्यान से समझो क्योंकि किताब में बहुत कम मैटर दे रखा है, क्योंकि ये साइंस का फैक्टर आ जाता है नाभिकीय ऊर्जा,
तो इसको थोड़ा समझने का प्रयास हमें करना है कि नाभिकीय यानी कि परमाणु ऊर्जा जो होती है, जिसका दूसरा नाम परमाणु ऊर्जा है, परमाणु वह पदार्थ है जिसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि परमाणु में ऊर्जा होती है। परमाणु में क्या होती है? ऊर्जा होती है, ऊर्जा युक्त है। परमाणु क्या होता है भाई? ऊर्जा से युक्त है। और इस ऊर्जा युक्त होने के कारण ही परमाणु में ऊर्जा जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो ये अपने आप में एक रासायनिक गुण है। कैसा गुण है ये? अपने आप में एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ये देखो ये रही, ठीक है ना। इसलिए अपने आप में ये क्या है? एक रासायनिक गुण है। नाभिकीय ऊर्जा ही परमाणु ऊर्जा है। इसमें रासायनिक गुण पाए जाते हैं, या तो परमाणु का विघटन होगा या परमाणु का संगठन होगा, और इस प्रकार से जो है ऊर्जा प्राप्त की जाती है वही नाभिकीय ऊर्जा होती है। ये कहाँ की जाती है, कैसे की जाती है, ये सब कुछ हम आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो हम चीज पढ़ रहे हैं वो और ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उसका नाम है सौर ऊर्जा। उसका क्या नाम है? सौर ऊर्जा। क्या है सौर ऊर्जा और क्यों है सौर ऊर्जा, इस चीज को जब हम समझते हैं तो बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। इसके अर्थ की अगर बात करें, किसकी बात करेंगे सबसे पहले, इसके अर्थ की बात करें तो ये जो सूर्य है, कौन है भाई ये? ये जो सूर्य मामा, चंदा मामा होता है, सूर्य क्या होता है नाना तो ये जो सूर्य है क्या है भाई? ये जो सूर्य है, इसकी जो ये तरंगे हैं जिसे हम प्रकाश कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। इसकी जो ये प्रकाश वाली सूर्य की जो तरंगे हैं, ये जैसे ही अपने सौर पैनल से टकराती है, इस पैनल से टकराती है और यहाँ से एक ऊर्जा निकल जाती है। यहाँ से क्या निकल जाती है? ऊर्जा निकल जाती है। ऐसा किसके कारण होता है? ये सूर्य की जो प्रकाश करने वाली जो बिजली पैदा हम कर रहे हैं सूर्य से, ऐसा होता है, याद रखे आप, फोटोवोल्टिक के कारण। फोटोवोल्टिक के कारण, ये फोटोवोल्टिक है जो बिजली को ट्रांसफर करता है, बिजली को बनाता है। ये नाम आपको पक्का याद रखना है। क्या नाम है इसका? फोटोवोल्टिक। क्या नाम है भाई? फोटोवोल्टिक, ठीक है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सौर ऊर्जा जो होती है ये जो है गैर परंपरागत है। कैसी है भाई? गैर परंपरागत। गैर परंपरागत का मतलब है हमारे पूर्वज इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। ये तो अभी कुछ ही देर बाद हम देखेंगे कि 1839 में फ्रांस जैसे देश ने थोड़ा थोड़ा जानना शुरू किया। फिर 1883 के आसपास हम देखेंगे कि अमेरिका के भी एक व्यक्ति हुए, उन्होंने भी इसको जानने का प्रयास किया, लेकिन ये पहले नहीं जानते थे। हमारे जो पूर्वज थे वो पहले नहीं जानते थे, और ना जो है ये प्रकृति से मिली है, ये तो मानव बना रहा है। बना कौन रहा है इसको? मानव बना रहा है। तो ये गैर परंपरागत है। दूसरा, इसका दोबारा प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए ये नवीकरणीय है। कैसी है भाई? नवीकरणीय है। कैसी है भाई? नवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब है जिसका दोबारा से प्रयोग किया जा सकता है, वो नवीकरणीय के अंदर आते हैं। एक होता है अनवीकरणीय, जिसका दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो खनिज अधिकतर ऐसे थे, अधिकतर तो ऐसे नहीं थे, ऊर्जा संसाधन अधिकतर ऐसे थे, जैसे कोयला है, पेट्रोल है, गैस है, वो अनवीकरणीय थे और उनका दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखना है और फोटोवोल्टिक याद रखना है। तो इसको पढ़ने के बाद इससे अगर इसको हम कंपेयर करते हुए देखें तो हमें कई चीजें ऐसी समझ में आ जाएगी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम यू से भी महत्वपूर्ण है और बाकी छोटी छोटी चीजों की दृष्टि से भी क्या है, महत्वपूर्ण है। अब एक व्यक्ति आते हैं 1839 में। कब आते हैं? 1839 का समय था, और ये व्यक्ति बहुत कुछ बता के जाते हैं, जिनका नाम है बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, एडवर्ड। क्या नाम है इसका? इनका भाई है ना, एडवर्ड बेकरेल। क्या नाम है इनका? एडवर्ड बेकरेल। ये जो है फ्रांस के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले हैं? फ्रांस के रहने वाले हैं। ये वह व्यक्ति है
जिन्होंने पहली बार सौर ऊर्जा जैसी तकनीकी की खोज की और इस पे रिसर्च करना शुरू कर दिया। कौन है भाई? एडवर्ड बेकरेल वो पहले व्यक्ति है जिन्होंने पहली बार सौर ऊर्जा का जिक्र किया और फ्रांस के अंदर अपना कार्य शुरू कर दिया और इसके बारे में और ज्यादा जानकारी लेके आए। इनके बाद 1883 कब की बात कर रहे हैं हम, 1883 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम भी बहुत प्यारा है और उस व्यक्ति का नाम है चार्ल्स। उसका क्या नाम है? चार्ल्स फ्रीडस। चार्ल्स फ्रीडस वह व्यक्ति है जिसने कांच के माध्यम से सौर ऊर्जा को रिजर्व करने का कार्य शुरू किया। यानी एक शीशा लेते इस प्रकार से और उस शीशे का फोकस इसे इस प्रकार से डालते थे और उसके ऊपर जो है कांच के अंदर किरणें इकट्ठी होती और इकट्ठी होने से धीरे धीरे जो है वह आग जलना शुरू हो जाती। इस प्रकार की सौर ऊर्जा का ये जो नया एक्सपेरिमेंट करने वाले व्यक्ति थे ये अमेरिका के रहने वाले थे। कहाँ के थे भाई? अमेरिका के रहने वाले थे। तो ये कुछ बेसिक बातें दोनों ऊर्जाओं के बारे में हमने पढ़ी है। पहली कौन सी है? सौर ऊर्जा वाली। दूसरी कौन सी? पहली कौन सी है? नाभिकीय ऊर्जा वाली। और दूसरी कौन सी है? सौर ऊर्जा वाली। ये दोनों अगर आपको समझ में आ जाती है तो ये लेक्चर पूरा आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। किसी को कोई भी डाउट नहीं होने वाला है। तो मस्ती से इसको याद करना है, शानदार तरीके से याद करना है और एक अच्छा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि पूरा लेक्चर समझ में आ जाए। देखिए इससे आगे देखिए, ये तो कुछ बेसिक बातें थी। बेसिक बातों के बाद हम आगे जब देखते हैं तो सीधा सीधा दोनों चीज़ों को समझना शुरू करते हैं। ये जो हमारा नाभिकीय ऊर्जा है इसमें ऐसे कौन से परमाणु होते हैं जो इसको गति देते हैं और जिनसे ये ऊर्जा प्राप्त करता है? तो इसमें मोस्टली आपको दो देखने को मिलेंगे। कितने देखने को मिलेंगे? दो। एक होता है यूरेनियम। एक क्या होता है? यूरेनियम। और दूसरा होता है थोरियम। दूसरा क्या होता है? थोरियम। ये दोनों जो है इसको गति देते हैं, यूरेनियम और थोरियम। यूरेनियम और थोरियम, यूरेनियम और थोरियम, ठीक है ना? तो ऐसे इसको याद करना है। अब इसको डिटेल से देख लेते हैं। नाभिकीय ऊर्जा जो होती है, इस ऊर्जा का उत्पादन जो है, इसके उत्पादन में कौन से खनिज ऐसे हैं जो इसको बनाते हैं या फिर इसका सहयोग करते हैं या फिर इसके लिए बहुत आवश्यक है? तो एक होता है यूरेनियम और दूसरा होता है थोरियम। ये दोनों ही नाभिकीय या परमाणु है। यहां तक बात समझ में आ रही है? यूरेनियम थोरियम क्या है? परमाणु है। और भी देख लेते हैं डिटेल से यूरेनियम थोरियम को। तो यूरेनियम जो होता है वो धारवाड सेलू से मिलता है। कहां से मिलता है? यूरेनियम धारदार होता है। कैसा होता है भाई? धारदार। यानी यूरेनियम धारवाड सेलू से मिलता है। कहां से मिलता है? और थोरियम की अगर बात करें तो ये मोनाजाइट और इल्मेनाइट से प्राप्त होता है। कौन सी चट्टानों से प्राप्त होता है? मोनाजाइट और इल्मेनाइट। आपको यहां दो तीन चट्टानों के नाम याद करने हैं। देखो कौन सी चट्टान का नाम आया सबसे पहले? धारवाड़ चट्टानों का नाम आया जहां से मिलता है आपका ऊपर वाला यूरेनियम। धारवाड़ मतलब यूरेनियम और थोरियम मतलब मोनोजाइट या इल्मेनाइट चट्टाने। इल्मेनाइट या मोनोजाइट चट्टाने मतलब थोरियम है और आपको अगर ये पूछ लेगी धारवाड़ तो आपको करना है यूरेनियम। ये इन दोनों जगहों पर मिलते हैं। अब ये क्षेत्र कौन से हैं जहां ये मिलते हैं? यूरेनियम या थोरियम के क्षेत्र कौन से हैं? तो यूरेनियम जो है वो पिच ब्लेड एवं यूरेनाइट यूरेनियम के मुख्य हिस्सक हैं। यानी पिच ब्लेड जो होता है इसका कच्चा रूप कहलाता है और यूरेनाइट और यूरेनियम जो है, यूरेनाइट भी इसका कच्चा रूप है। यानी पिच ब्लेड और यूरेनाइट, पिच ब्लेड और यूरेनाइट क्या है? जैसे लोहा लोहा अयस्क था वैसे ही यूरेनियम पिच ब्लेड कहलाता है पहले और यूरेनाइट कहलाता है। दो नामों से जाना जाता है। तो यूरेनियम के ही कच्चे रूप है कौन से? पिच ब्लेड और यूरेनाइट, है ना? इसको शुद्ध कैसे किया जाता है? बाकी कचरे को हटा दो और कुछ भी नहीं, गरम गरम नहीं करना है नहीं तो विस्फोट हो जाएगा, है ना? वितरण कहां देखने को मिल रहा है? यूरेनियम सबसे ज्यादा जो है
कहां देखने को मिलता है, तो लगभग 88%, कितना भाई 88% जो है अब 80 है कुछ समय से, तो 80% मान लो झारखंड की सिंहभूमि से मिलता है। कहां से मिलता है? झारखंड की सिंहभूमि, तो आपको पता है वहां ढेर सारे खनिज देखने को मिलते हैं। कुछ चीजें जैसे कुरनूल हो गया आंध्र प्रदेश का, अनंतपुर क्षेत्र हो गया, कुड़पा जो क्षेत्र है वो हो गया, इन सब में खनिज खूब मिला करते हैं, और उन्हीं में से झारखंड की जो सिंहभूमि है, जरिया क्षेत्र है, यहाँ खनिज बहुत पाए जाते हैं। तो यूरेनियम आपको सबसे ज़्यादा झारखंड में मिलेगा। देखो यूरेनियम के बारे में क्या याद रखना है, यूरेनियम जो है नाभि की ऊर्जा का परमाणु है, और यूरेनियम धारवाड़ चट्टानों से मिलता है। कहाँ से मिलता है? धारवाड़ की चट्टानों से मिलता है, और धारवाड़ की चट्टानों से जब इसे निकालते हैं तो इसका जो अयस्क मिलता है वो पिच ब्लेड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? एक याद रख लो बस, पिच ब्लेड के नाम से जाना जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि यूरेनियम सबसे ज़्यादा झारखंड में मिलता है। कहाँ मिलता है? झारखंड में मिलता है। यहाँ स्थित जादूगोड़ा खनन क्षेत्र है केंद्र के, इसके उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, यानी कि जादू के गोड़ा जो खनन क्षेत्र है, कौन सा? जादू वाला गोड़ा। यूरेनियम अपने आप में जादू है, तो जादू वाला गोड़ा कहाँ है? झुंझुनू में है। झुंझुनू के अंदर 80% जो है यूरेनियम निकलता है। पक्का याद रखें आप, अगर मैं यूरेनियम बोलूं तो आपको झुंझुनू बोलना है। क्या बोलना है? आपको झुंझुनू बोलना है, 80% बोलना है, और जादू वाला गोड़ा बोलना है। बस ये तीन चार चीजें आपको याद रखना। राजस्थान में कहाँ मिलता है? राजस्थान में भी मिलता है, क्या है ना, तो झुंझुनू, विसुंडी, अजमेर, उमरा, उदयपुर प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। आंध्र प्रदेश के सकरापाड़ के नेलोर जगह हैं, वहां भी आपको यूरेनियम देखने को मिलेगा। तो आप इतना तो याद रख ही सकते हैं कि सर झारखंड में मिलता है एक तो, और दूसरा राजस्थान में मिलता है, एक दो स्टेट और हम देख लेंगे। तो राजस्थान में तो आपको अजमेर का नाम याद रखना है, और झारखंड में आपको, तो झारखंड में एक छोटी सी जगह थी जिसका नाम क्या था, देखो क्या था भाई, जादूगोड़ा तो था ही था, लेकिन क्या था सोचो यार, क्या हो सकता है? सिंह भूमि। क्या हो सकता है? सिंह भूमि। तो आपको सिंह भूमि याद रखना है, ये दो क्षेत्र तो आपको याद हो जाने चाहिए। जादूगोड़ा कहाँ है? सिंह भूमि में, ठीक है। तो झुंझुनू में भी मिलता है, राजस्थान के झुंझुनू में, अजमेर में, ये डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के। आंध्र प्रदेश में नेलोर जो जिला है वहाँ पे एक सकरा पहाड़ है, सकरा मतलब तंग घाटी होती है, सकरा का मतलब क्या होता है? तंग घाटी होती है। वहां आपको आंध्र प्रदेश के सकरा पहाड़ जो है नेलोर स्थान पर, वहां भी आपको क्या देखने को मिलेगा? यूरेनियम देखने को मिलेगा। ये तो हुई यूरेनियम की बातें जो धारवाड़ सेलू से मिल रहा था। अब बात करेंगे थोरियम की। किसकी बात करेंगे? थोरियम की, जो मोनोजाइट धातु से या चट्टानों से मिल रहा था थोरियम। ये केरल की तटीय बालू में पाया जाता है, केरल में। केरल में अगर यूरेनियम बोलो तो झारखंड चिल्लाओ, यूरेनियम बोलो तो झारखंड चिल्लाओ, अगर थोरियम बोलूं तो केरल चिल्लाओ। क्या चिल्लाओगे? केरल चिल्लाओगे। यानी केरल आपको याद आते ही आपको याद आना चाहिए कि सबसे ज्यादा थोरियम वाला राज्य। और अगर आपको बैठे बैठे यूं जो आपका झारखंड याद आ जाए तो आपको यूरेनियम भी याद आना चाहिए। यूरेनियम का कच्चा रूप, यूरेनियम अयस्क क्या कहलाता था? पिच ब्लेड के नाम से जाना जाता था। इनका सर्वाधिक केंद्रीकरण कोल्लम एवं पलक्कड़ जिलों में है, यानी केरल के जो जिले हैं, एक तो है पल्लम, पलक्कड़, एक का क्या नाम है? पलक्कड़, और दूसरे का नाम कोल्लम। आंख की पलक जो होती है कोल्लम की तरह दिखाई देती है ना, ऐसे याद रख लो, कोल्लम पलक, कोल्लम पलक, कोल्लम पलक, है ना, फिर पलक से पलक्कड़ कर देना उसको, है ना। तो कोल्लम पलक्कड़, कोल्लम पलक्कड़, कोल्लम पलक्कड़ किसके हैं? सीधे सीधे याद रखना है कि थोरियम के हैं। वो कहां मिल रहा था? जगह जादू घोड़ा, कहां का? झारखंड का। झारखंड का जादू घोड़ा यूरेनियम, थोरियम का केरल की बालू मिट्टी के अंदर कोल्लम और पलक्कड़ स्थान, कोल्लम और पलक्कड़ स्थान। इसके बाद तावनकोर की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी? तावनकोर की पहाड़ी इनके वास्तविक स्रोत है। किसके वास्तविक स्रोत है? तावनकोर की जो पहाड़ी है वास्तविक स्रोत है, तावनकोर जो पहाड़ी है वो वास्तविक स्रोत है किसकी?
थोरियम की। किसकी है भाई? थोरियम की। इल्मेनाइट मुख्यतः रत्नागिरी महाराष्ट्र से केरल की तटीय बालू में पाया जाता है। इल्मेनाइट जो खनिज होता है वो रत्नागिरी पहाड़ी में पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है और केरल की तटीय बालू में पाया जाता है। इल्मेनाइट भी एक थोरियम की तरह पार्ट होता है इसका। तो ये चीज़ें जब हम समझ जाते हैं तो ढेर सी चीज़ें हमारे सामने और आती है। ये तमिलनाडु और उड़ीसा के तटीय बालू में मिलता है। इसके अलावा झारखंड में इल्मेनाइट के संचित भंडार है। पहले क्या देखा हमने? यूरेनियम। उसके बाद हमने क्या देखा? थोरियम। थोरियम के बाद हम जो है यहाँ से इल्मेनाइट देखना शुरू कर देते हैं। ये हेडिंग है भाई, है ना, इल्मेनाइट। ये तीन नंबर का है, वो दो नंबर का था तो ये तीन नंबर का है। इल्मेनाइट जो है मोस्टली कहाँ मिल रहा था? मोस्टली हमें रत्नागिरी और महाराष्ट्र में मिल रहा था और केरल में भी मिल रहा है। वो मिल रहा है तो ये भी केरल में मिल रहा है। ये तमिलनाडु या उड़ीसा के तटीय बालू में भी मिलता है। इसके अलावा झारखंड में भी इल्मेनाइट के संचित भंडार है। तो इल्मेनाइट भी आपको याद रखना है, ये कुछ ऐसा दिखता है। तो देखो, यूरेनियम, थोरियम और इल्मेनाइट, तीन हम क्या पढ़ चुके हैं? नाभिक की ऊर्जा के रूप पढ़ चुके हैं। किसके रूप हैं? नाभिक की ऊर्जा जिन परमाणुओं से निकलती है उनमें हम तीन देख चुके हैं। मोनाजाइट की प्राप्ति आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तथा ओडिशा के महानदी डेल्टा क्षेत्र से प्राप्त से भी होती है। तो मोनाजाइट जो चट्टाने हैं वो आंध्र प्रदेश में ज़्यादा देखने को मिलती है और उड़ीसा में भी कई बार देखने को मिल जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आपको ध्यान क्या रखना है ये मैं बता चुका हूँ। यूरेनियम थोरियम जो है नाभिक की ऊर्जा है, नाभिक की ऊर्जा विखंडन और संगठन से पैदा होती है। परमाणु ऊर्जा है ये अपने आप में, इसके लिए इसका नाम परमाणु ऊर्जा भी है और ढेर सारी चीज़ें हमने उसकी, ये ऊर्जा का स्रोत होती है, परमाणु से ऊर्जा प्राप्त करती है। वो चीज़ें आपको महत्वपूर्ण तरीके से याद रखनी है। पिच ब्लेड किसका नाम है? अयस्क है यूरेनियम का। कहाँ मिलता है यूरेनियम सबसे ज़्यादा? कहाँ मिलता है थोरियम सबसे ज़्यादा? इल्मेनाइट के दो राज्य आपको याद रखने हैं, ये तीनों आपको याद हो जाने चाहिए अब तक। परमाणु ऊर्जा आयोग, परमाणु ऊर्जा आयोग बना गया भाई कि परमाणु कोई ऐसे तो है नहीं कि हर कोई जाके उठा लेगा। सौर ऊर्जा का पैनल तो हर व्यक्ति गया और छत पे लगा दिया। क्या परमाणु का उपयोग आप ऐसे ही कर लेंगे? सरकार की बड़ी गाइडलाइन होती है ना। तो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिनका नाम अभी जैसे हम लेंगे तो आपका सीना जो है गर्व से चौड़ा हो जाएगा। इतने खतरनाक व्यक्ति थे वो, जिन पे पूरा भारत गर्व करता है। यानी दो चार वैज्ञानिक ऐसे हुए हैं, एक तो राष्ट्रपति के पद तक गए एपीजे अब्दुल कलाम, लेकिन ये राष्ट्रपति के पद तक तो नहीं गए जो आज हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन उन्होंने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हैं और जिनका नाम है होमी जहांगीर भाभा, है ना, पक्का याद कर लेना इनको। यहाँ का यही, इन्होंने परमाणु ऊर्जा आयोग के जनक कहे जाते हैं। किसके जनक कहे जाते हैं? परमाणु ऊर्जा आयोग के बारे में सबसे ज्यादा अगर किसी ने सजेस्ट किया, सबसे ज्यादा अगर बात की तो होमी जहांगीर भाभा है। उन्होंने 1944 में नाभिकीय ऊर्जा जो है उसके बारे में रिसर्च करना शुरू कर दिया, अनुसंधान करना शुरू कर दिया। 1944 में नाभिकीय ऊर्जा पर रिसर्च और अनुसंधान सर्च ऑपरेशन चलाने वाले, इसके बारे में सही ढंग से जानकारी हासिल करने वाले जो पहले व्यक्ति हैं उनका नाम है होमी जहांगीर भाभा। क्या नाम है? होमी जहांगीर भाभा। अनुसंधान प्रारंभ किया है। भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, यानी भारत का सबसे बड़ा परमाणु का जो संयंत्र लगाया गया है, जो यंत्र लगाया गया है जहां से परमाणु ऊर्जा बनाई जाएगी, जहां से नाभिकीय ऊर्जा संचालित की जाएगी, जहां ऊर्जा का स्रोत बनाया जाएगा, वो जगह है तिरुनेलवेली में स्थित है। मुख्यालय कहाँ है इस परमाणु ऊर्जा आयोग का? तो हम बात करेंगे बॉम्बे की। स्थापना 1944, जनक जहांगीर भाभा, ठीक है ना। मुख्यालय बॉम्बे है ना, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, ये आ गई हमारी सोलर एनर्जी। कई बार नाम सुनने को मिल जाता है आज तो, जिसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा। कहाँ से प्राप्त होती है बताओ? सूर्य से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? सूर्य की किरणों से प्रकाश लेते हैं, फोटोवोल्टिक से उस ऊर्जा को ट्रांसफर करते हैं और घरों में बिजली के बल्ब जल जाते हैं। इतनी सी सिंपल बात है, फोटोवोल्टिक याद रखना है।
अमेरिका के उस वैज्ञानिक का नाम भी आपको याद रखना है जो हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा है, फ्रांस के उस व्यक्ति का नाम भी आपको याद रखना है जो हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा है, वो दोनों सन भी आपको याद होना चाहिए 1839 और 1843। 1839 मतलब 1839, 1883 मतलब 1883, ये दोनों सन आपको याद होना चाहिए। सौर ऊर्जा अपने आप में एक विशिष्ट जो है गैर परंपरागत के साथ नवीकरणीय संसाधन भी है, इसकी ढेर सारी बातें तो हमने पढ़ी थी, लेकिन अब आगे देखिए भारत में वर्ष में क्या कह रहे हैं। भारत में वर्ष में 300 दिन की धूप रहती है, यानी 365 दिन अगर होते हैं तो भारत तो गर्मी वाला क्षेत्र है वैसे ही, तो यहाँ इसमें से 300 दिन यहाँ धूप रहेगी। तो इस धूप को हम कैसे काम में ले, इस धूप को काम में लेने के लिए, किसको काम में लेने के लिए, इस धूप को सही ढंग से काम में लेने के लिए हमने जो है धीरे धीरे सौर ऊर्जा का विकास कर दिया। सौर ऊर्जा का तो बताओ धूप का प्रयोग होने लग गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया है ना। तो देखो कैसी कैसी ऊर्जा बना ली हमने, संसाधन तो भारत ने इतना जुटाने का प्रयास किया है कि कैसे न कैसे बिजली पर जो है इतनी मितव्यता से जो खर्च हो रही है, आने वाले समय के लिए हम कैसे क्या करें। तो धीरे धीरे सौर ऊर्जा है, जैसे अभी कुछ देर बाद हम भूतापीय ऊर्जा भी देखेंगे, जंवारी ऊर्जा भी देखेंगे अगले लेक्चर में, भूतापीय ऊर्जा, जंवारी ऊर्जा, पवन ऊर्जा है ना, ढेर सारी ऊर्जाएं, समुद्र की लहरें उठ रही है और उनसे हम बिजली बना देते हैं, तो ऐसी जवारीय ले तरंगे जो ले रहे हैं, कई प्रकार की ऐसी ऊर्जाएं हम बनाने लग गए। थोरियम से, यूरेनियम से, इल्मेनाइट से हम जो बना रहे हैं नाभिक की ऊर्जा, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। नाभिक के अणुओं का संगठन करना, विघटन करना अपने आप में एक चुनौती होती है और ऐसा करने के लिए हमेशा भारत तत्पर रहता है। सौर ऊर्जा में भी आप देखो, सौर ऊर्जा के बारे में भी जहांगीर भाभा ने 1944 में सोच लिया, तो आज तो बहुत आगे निकल गया हमारा जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें वैज्ञानिक जो है उनको काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है और हम ऐसे ऐसे कारनामे करते हैं। जैसे चंद्रयान 3 हमने छोड़ा, रूस ने जो है हमसे बाद में छोड़ा कि सबसे पहले हम स्थापित कर देंगे, और रूस का जो कल जो चंद्रयान 3 था, वो रूस का जो चंद्रयान था, हमारा चंद्रयान 3 है, रूस का अलग ही चंद्रयान था, तो वो हमसे बाद में छोड़ा गया कि हमसे पहले पहुंचाने के लिए कि भारत कहीं जीत ना जाए। लेकिन वो चंद्रमा से जैसे ही 100 किलोमीटर की दूरी पे चल रहा था जब तक ठीक था, और जैसे ही उसे 80 किलोमीटर की दूरी वाले क्षेत्र में डाला गया, जब वो वहाँ चंद्रमा से टकरा कर क्रैश हो गया और जो है लैंडिंग दक्षिण ध्रुव पर नहीं कर पाया, तो वो कछुआ और खरगोश वाली कहानी याद आती है यहाँ पे। जबकि चंद्रयान 3 जो है लगातार सही दिशा में जा रहा है और बहुत जल्द गुड न्यूज़ मिल जाएगी हमें कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक पहुँच चुका है, भारत का एक नेक्स्ट लेवल होगा, वास्तव में जहाँ देखेंगे वहाँ तारीफ होगी। तो ये वैज्ञानिकों का ही तो कारनामा है, ये वैज्ञानिकों का भी किया धरा है। तो आप देखिए कि ये जो सौर पैनल है, ये जो नाभिकीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, जवारीय ऊर्जा है, ये कैसे डेवलप हुई, क्योंकि वैज्ञानिक जो है उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सोच समझ के इन चीज़ों को डेवलप करने का प्रयास किया है। तो यहाँ सौर ऊर्जा की असीम संभावनाएं, देश के प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 20 मेगावाट सौर बिजली का उत्पादन किया जा सकता है, यानी एक किलोमीटर में हम 20 मेगावाट बिजली बना सकते हैं। भारत में इतनी सूर्य की किरणें आती हैं कि हम एक किलोमीटर में 20 मेगावाट, ये इकाई है किसको, बिजली को नापने की। जैसे पानी, तेल, लिक्विड फॉर्म को मापने के लिए ग्राम वगैरह की इकाई होती है, उसी प्रकार से मिलीमीटर की इकाई होती है, वैसे ही बिजली को नापने के लिए मेगावाट, किलोवाट, ऐसे इसको नापा जाता है ना। आप कहते हैं ना कितना कितने यूनिट आए, तो ऐसे इसको नापा जाता है। तो 20 मेगावाट प्रत्येक एक किलोमीटर में, जैसे हम पढ़ते हैं ना प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या में जो लोग रहते हैं वो जनसंख्या घनत्व कहलाता है, वैसे ही प्रति वर्ग किलोमीटर में अगर 20 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है तो वो भारत है। वो क्या है, भारत है। भारत में सौर क्षमता का राज्यवार वितरण देखें तो सर्वाधिक क्षमता राजस्थान की, या तो गर्मी वाला क्षेत्र है राजस्थान का, जैसलमेर तो आपको क्या ही बताएं, हीट इतनी क्रिएट करता है कि यहाँ एनी टाइम गर्मी रहती है, एनी टाइम आग बबूला रहता है जैसलमेर। जैसलमेर का एक क्षम क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, यहाँ कोई भी वनस्पति नहीं है, क्या नहीं है, यहाँ पे कोई भी वनस्पति नहीं है, एक जो है तिनका देखने को नहीं मिलेगा आपको राजस्थान के श्रम क्षेत्र में। बालू मिट्टी, बालू मिट्टी, बालू मिट्टी देखने को मिलती है, और बालू मिट्टी के नीचे आपको पता है क्या होता है, बालू मिट्टी के नीचे प्राकृतिक गैस होता है 99%,
बालू और कंकड़ मिट्टी जहां होती है। प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस के नीचे क्या होगा? खनिज तेल। और खनिज तेल के नीचे क्या होगा बताओ मुझे? चूना पत्थर। और चूना पत्थर के नीचे जल, और जल के नीचे चट्टान। इस प्रकार से हमने डायग्राम पढ़ा खनिज तेल में। अब जो है बालू मिट्टी क्या राजस्थान के इस जैसलमेर में है? तो क्या यहाँ खनिज तेल है? बिल्कुल है, यहाँ तेल का सबसे बड़ा कुआं है राजस्थान का, ऐश्वर्या भाग्यम, है ना। तो ये तेल के कुएं हैं जो आज भी देखने को मिलते हैं कहाँ? जैसलमेर में। तो ये इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो बिजली बनाने में भी राजस्थान एक्सपर्ट है, क्योंकि यहाँ हर किलोमीटर में पूरे भारत में अगर 20 मेगावाट पैदा की जा सकती है तो राजस्थान इससे दुगुनी पैदा कर देगा, क्योंकि राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, बारिश कम रहती है। इसलिए खरीफ की फसल में हमेशा बाजरा ही होता है, हमने कई बार देखा, क्योंकि बाजरे को 30 से 50 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए और यहाँ बारिश कम है। यहाँ क्या है? बारिश कम है, इसलिए गर्मी वाली फसलें यहाँ हो पाती है, इसलिए ये महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत में सौर क्षमता का राज्यवार वितरण जो है उसमें राजस्थान पहले नंबर पे है। इसके बाद क्रम से जम्मू और कश्मीर, लद्दाख सहित 111 GW, महाराष्ट्र में 64.32 GW, मध्य प्रदेश में 61.66 GW का स्थान आता है। वर्तमान में दो माध्यमों से सौर ऊर्जा के प्रयोग में लाया जा रहा है, एक तो सौर तापीय माध्यम से लाया जा रहा है और एक सौर फोटोवोल्टिक। एक तो सौर तापीय के माध्यम से जो छोटे क्षेत्र पे किया जाता है, सौर फोटोवोल्टिक जो होता है एक बड़ा माध्यम है। दो तरह से सौर ऊर्जा को रिजर्व किया जाता है, ये आपको याद रखना है। पहला कौन सा है? सौर तापीय, और दूसरा कौन सा है? फोटोवोल्टिक। ये देखो सौर ऊर्जा का पैनल है, इस पैनल पे सूर्य की किरणें जो है यहाँ से, ये सीधी सूर्य की किरणें इसके ऊपर टकराएगी। सूर्य किरणें जैसे ही इसके ऊपर टकराएगी, इसमें गतिविधि और कई प्रक्रियाएं होगी फोटोवोल्टिक के माध्यम से। धीरे धीरे जो है इस पैनल से सौर ऊर्जा जो है वो रिजर्व होना शुरू कर देगी, रिजर्व होके जो है घरों में लाइट का जो काम है वो कर देगी। आगे देखिए, भारत विश्व के उन 6 देशों में है जिन्होंने पॉलीसिलिकॉन पदार्थ के निर्माण की प्रौद्योगिकी विकसित की है, जिसका फोटोवोल्टिक सेल में किया जाता है। यानी जो फोटोवोल्टिक सेल जो है, इसमें जो है 6 देश जो है जिन्होंने पॉलीसिलिकॉन पदार्थ बनाया है जो इसके अंदर काम आता है। राजस्थान के जोधपुर जिले के मथानिया गाँव में सौर ऊर्जा तथा ताप ऊर्जा केंद्र की स्थापना की गई है। ये सवाल कई बार पूछा गया है। राजस्थान का जोधपुर जिला है जहाँ बहुत बहुत प्यारा जिला है। यहाँ सबसे प्यारी चीज़ क्या है? मेहरानगढ़ किला, जिसे मयूर ध्वजगढ़ किला कहा जाता है, राजा महाराजाओं के किले, जिसे हम दुर्ग या फोर्ट कहते हैं। तो ये जोधपुर फेमस रहा है, और यहाँ का एक गांव है ये मथानिया गांव। इस मथानिया गांव में सौर ऊर्जा का जो ताप विद्युत गृह का है बहुत बड़ा पैनल लगाया गया, आधे शहर को लाइट वगैरह दे रहा है। आप सोचिए, मथानिया जो मरुस्थली क्षेत्र से बिलोंग करता है लगभग, वहाँ के लोग कितने डेवलप हो गए। आगे देखिए, ये देखो इस प्रकार से इमेज भी दे रखे हैं यहाँ पर। हरियाणा में गुड़गांव जिले का गवाल पाड़ी नामक जगह पर सौर ऊर्जा जो है उसके बारे में रिसर्च होता है, अनुसंधान की स्थापना की गई है। गवाला पाड़ी कहाँ है बताओ? गुड़गांव हरियाणा। मथानिया कहाँ था बताओ? मथानिया। मथानिया गांव जो है वो जोधपुर का है। कहाँ का है भाई? जोधपुर का। पहली चीज तो आपको ये याद रखना है, सौर ऊर्जा के बारे में सबसे ज्यादा सजगता यहाँ देखने को मिली। इसके बाद दूसरी जो चीज है वो है हरियाणा। हरियाणा, हरियाणा में कौन सी पहाड़ी है? गवाला पहाड़ी। ये आपको याद रखना है, गवाला पहाड़ी। ये दो चीजें आपको याद रखनी है अभी तक सौर ऊर्जा में। और क्या याद रखना है? अमेरिका के उस वैज्ञानिक का नाम, फ्रांस के उस वैज्ञानिक का नाम, फोटोवोल्टिक का नाम, गैर परंपरागत, नवीकरणीय, है ना, कैसे कैसे क्या किया जाता है, एक किलोमीटर में कितनी मेगावाट पैदा की जा सकती है, तो 20 मेगावाट प्राप्त की जा सकती है। राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्र रहा है सौर ऊर्जा का, ये चीज़ें आपको याद रखना है। खाना बनाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी अहमदनगर महाराष्ट्र में लगाई गई। यानी कि साईं बाबा का जो ये आश्रम है वह सब लोगों का खाना जो है, शिरडी जो साईं बाबा है कहाँ है? अहमदनगर महाराष्ट्र में। वहाँ आज भी सब लोगों का खाना वाना जो भी बनता है, सौर वाष्प जो प्रणाली है वो लगाई गई है, और उसी से ही सब कुछ होता है वहाँ। कितनी बड़ी बात है कि सौर ऊर्जा का हम इस प्रकार प्रयोग कर रहे हैं। तो ये था नाभि की ऊर्जा और सौर ऊर्जा, जिसमें हमने एक एक चीज को
छोटी छोटी चीज़ों को बड़ी मस्ती से और बड़े ही शानदार तरीके से पढ़ने का प्रयास किया। अगर किसी को यहाँ कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लर्न एंड शेयर का आर्ट्स का जो टेलीग्राम चैनल है वो आपको पक्का ज्वाइन करना है। मिलते हैं अगले इससे भी ज़्यादा शानदार लेक्चर में, लगभग लास्ट लेक्चर होगा और उस लेक्चर में हम जानेंगे इसका बच्चा कोचा जितना भी इस चैप्टर का है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर रहे ये। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।